ये बॉर्डर आ गया सामने, ये हम इंडिया की तरफ से एंटर कर रहे हैं और उसके बाद आ जाएगा नेपाल का गेट। और ये सामने है नेपाल बॉर्डर, इंडिया बॉर्डर तो पार कर लिया है और नेपाल बॉर्डर भी हम पार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 5 बज चुके हैं और हम राइड के लिए रेडी हैं। आज डे सेकंड है मेरा और अमर भाई और हमारे एक और फ्रेंड अभी मिलेंगे मुझे आगे, और हम 3 राइडर जा रहे हैं नेपाल और ये हमारी है इंटरनेशनल राइड। हम जाएंगे लोअर मस्टांग। तो मैं रुका था, आपको पता ही है, मनोज भाई के पास। बहुत ही यार नाइस बंदे हैं, मज़ा आ गया इनके साथ रुक के। थैंक यू भाई, मनोज भाई। चलो चलते हैं यार, आज लंबी राइड है मेरी। आज हमने पहुंचना है पोखरा, और पोखरा 550 वाले की पहाड़ी एरिया ज़्यादातर, तो 14 आवर हमें लगने वाले हैं। बच्चों से मिलवा देता हूँ। नाम क्या है आपका? निष्ठा। निष्ठा नाम है, कृष्णा नाम है। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं मनोज भाई के। थैंक यू आपका। आना दिल्ली आप भी, ठीक है? तो बस अमर भाई इंतजार कर रहे हैं, निकलते हैं फिर। चलो बाय बाय, थैंक यू। तो गाइस ये थे मनोज भाई की फैमिली। मज़ा आ गया यार, बहुत सेवा करी इन भाई ने, मनोज भाई ने, उनकी फैमिली ने। ठीक है मनोज भाई, चलो फिर मिलेंगे जल्दी। थैंक यू थैंक यू। तो अभी हमने जाना है कोई पॉलिटेक्निक चौक है, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर, और अमर भाई वहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं। भाई साहब लेट हो चुके हैं, हम एज़ यूज़ुअल निकलते निकलते यार हो ही जाता है। अभी चेन लूप करो, बाइक पे सामान, तो सामान में तो ज़्यादा समय नहीं लगा मुझे, लेकिन रूम में तो पैकिंग करनी ही पड़ती है। फिर भी क्लॉक टावर, कल हम आए थे यहाँ पे, कल हम सामने से आए थे और आज ये दूसरे रूट से आए हैं। एक बार फिर देख लीजिए, रोमी दरवाज़ा है ये, और ये साथ में बड़ा इमाम, तो हम पहुंच चुके हैं पॉलिटेक्निक चौराहे पे, और यहाँ पे हमें मिलेंगे अमर भाई और उनके फ्रेंड। हेलो सर, प्रदीप रेडी? एकदम रेडी है, चाय वाय कुछ पीनी नहीं ना, पी के आया मैं तो। ठीक है। हाँ, ये राहुल, राहुल घोष। हाँ जी। और ये प्रदीप लामा। हम लोगों ने, मतलब प्रदीप भाई ने हमसे जुड़े थे जब डमनाग ली थी बजाज में। बजाज तो राइड करते थे, बहुत ब्रेकफास्ट राइड की है हमने, फ्री वाली। और ये हमारे साथ जो एवेंजर की FLG राइड्स होती थी, अच्छा अच्छा, उसमें लखनऊ से बहुत बार ज्वाइन किया उन्होंने दिल्ली। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर बाकी इंडिया लव्स राइड के साथ भी बहुत राइड करा है, नेपाल वगैरह हम लोग गए कई बार। ओके ओके। पहले वर्ष नेपाल ही था। हाँ, नेपाल था, कसोल गए, बहुत सारी राइड्स करा, बीबीसी किया, नेपाल किया, ऋषिकेश किया, सारे राइड्स साथ में करे हमने। तो भाई का भी बहुत नॉट शौक है, अभी भाई ने नया हेलमेट लिया है कांग्रेस। तो गाइस ये है पॉलिटेक्निक चौक, राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ, और हमारे डे 2 की राइड शुरू हो चुकी है लखनऊ टू पोखरा नेपाल। तो आज हम कर जाएंगे नेपाल में एंटर, और सनोली बॉर्डर पे हम नेपाल में एंटर करेंगे, वहाँ पे बंसर बनवाएंगे बाइक का, तो उसके बाद फिर आगे लगेंगे। जो टाइम हमारा लगने वाला है वो सनोली बॉर्डर पे ही लगेगा बंसर बनवाने में। देखते हैं कि कितनी देर में फ्री होते हैं, अगर कोशिश करेंगे कोई जानकार मिल जाए अमर भाई का, तो वो कह रहा है जल्दी काम हो जाएगा।
तो मेरे को राइडर मेरे साथ चल रहे हैं राहुल घोष भाई और अमर श्रीवास्तव भाई। अमर भाई चल रहे हैं अपनी एक्सपल्स पे और राहुल भाई चल रहे हैं एवेंजर पे। तो हम जा रहे हैं अपना पोखरा नेपाल, आज पहुंच जाएंगे, चाहे जितनी मर्जी देर पहुंचे लेकिन आज पोखरा ज़रूर पहुंचना है। कल रिलैक्स डे है, कल हम पोखरा रुकेंगे और वहां परमिट बनाना पड़ेगा लोअर मस्टांग के लिए, तो परमिट बनवाएंगे कल और थोड़ा बहुत घूम लेंगे वहां पे लेक वगैरह पे और इसके बाद फिर निकलेंगे। गाइस अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है पूरा और हम रेडी हैं राइड के लिए। 8 बजे हमने यहाँ पे ब्रेक लिया था न्यू प्राग, तो यहाँ का अभी हमने ऑर्डर दिया था मिक्स परांठा और दही और चाय, मतलब कि सारी आइटम बहुत ही बढ़िया लगी। तो मैं अपने को राइडर से मिलाना चाहूँगा। हेलो अमर भाई, बताएं अपने बारे में कुछ। मैं सर के साथ बहुत समय से राइड कर रहा हूँ, बहुत पहले दिल्ली में राइड करते थे, फिर मैं लखनऊ शिफ्ट हो गया। सर ने कहा कि चलते हैं हम लोग, एक बहुत पुरानी राइड थी मुक्तिनाथ करना था, तो उसी का स्ट्रीम बन गया, हम तीन लोग मिल गए और हम तीन लोग फाइनली जा रहे हैं। वेरी एक्साइटेड। राहुल भाई। हाय। राहुल घोष, सर के साथ फर्स्ट राइड मेरी, इसके पहले ILTR के साथ राइड्स करता था और घूमने फिरने का शौक है, घूमते फिरते रहते हैं बस। और नई बाइक कौन सी ले रहे हैं आप? अभी BMW 850 GS। मुबारक हो भाई एडवांस में। सर हाथी पालने का शौक है सर, हाथी पालने देखते क्या होता। तो बस अब निकलते हैं यार धीरे धीरे, क्योंकि गर्मी बढ़ती जाएगी अब धीरे धीरे। तो न्यू प्राग रेस्टोरेंट से निकल गए हैं, यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है फिनिश, लगभग 9 बज गए हैं और रुकने के बाद तो 1 घंटा पता नहीं चलता कहाँ चला गया। सन्नौली बॉर्डर जो यहाँ से लगभग है 176 किलोमीटर, और गूगल भाई दिखा रहा है 3 hours 30 minutes, मतलब 3.5 घंटे लगेगा और अभी हमें नेपाल में एंटर करने में। बस्ती से रास्ता कट जाएगा लेफ्ट को और लगभग 12-1 बजे पहुँच जाएंगे सन्नौली बॉर्डर, और उसके बाद फिर हमें 250 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर करना है और वो पूरा हिल एरिया है। बुतवल तक तो स्टेट है, उसके बाद फिर हिल स्टार्ट हो जाएंगी पहाड़ी, वहाँ पे टाइम लगने वाला है। तो ये आ गया है मोड़ बस्ती से लेफ्ट का, तो भाई ने ब्रेक ले लिया एक, 62 किलोमीटर सीधा जाना है। बस्ती के मोड़ पे जहाँ हमने अभी ड्रिंक वगैरह लिया था वहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर आ गए हैं आगे, और ये वन वे है और बीच बीच में डबल रोड मिल रही है, जहाँ कोई भी विलेज निकल रहा है वहाँ डबल रोड कर रखी है, वो भी 1.5 किलोमीटर की, बाकी पूरा वन वे है। लेकिन 2018 में जो रोड की कंडीशन थी उससे मच बेटर है, काफ़ी अच्छी है। हाँ, पिछली बार तो बहुत टूटी फूटी रोड मिली थी, तो इस बार मतलब कि रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, बाइक 70-80-90 तक चल पा रही है, और ये 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उसके बाद हम सलोनी बॉर्डर की तरफ, सन्नौली बॉर्डर की तरफ मुड़ जाएंगे। ये टोल रोड है, मुझे तो पता ही नहीं था वन वे भी टोल रोड होता है, लेकिन बेटर है लास्ट टाइम से रोड कंडीशन, और इसको डबल रोड बनाने का भी काम चल रहा है आई थिंक, कुछ टाइम बाद बढ़िया हो जाएगा। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है और जो राइडिंग जैकेट में से पसीना निकल रहा है ना, मैं बता नहीं सकता, राइडिंग पैड दोनों गीली हो रही है। तब चलते रहेंगे तब तक तो ठीक रहेगा, हवा पास होती रहेगी, रुकते ही एकदम पसीना पसीना शुरू हो जाता है। योगी आदित्य सिद्धार्थ नगर नेपाल, क्या नाम है आपका? अजय। बहुत बड़ी है कर लेते हैं यार।
बहुत हो जाएगा। ये सर्च करना है इंडिया लव्स टू राइड इंस्टाग्राम पे, हम लोग टूर ऑर्गेनाइज करते हैं और मैं लखनऊ गया हूँ। दिल्ली भाई भी हमारे साथ ही लखनऊ लखनऊ से सीधे जाएगी। अच्छा गूगल भाई राट को भेज रहा था ये कोई शॉर्ट रूट होगा, लेकिन हम सीधे ही जा रहे हैं। ये टोल रोड है और बढ़िया रोड है, स्पीड अच्छी मेंटेन हो सकती है इस पे। हम नेशनल हाईवे 24 पे आ गए हैं, 25 किलोमीटर रह गया है सनोली बॉर्डर, और सनोली बॉर्डर से हम नेपाल में एंटर कर जाएंगे। जस्ट 25 किलोमीटर, मैक्सिमम हाफ एन आवर लगेगा, और 12 बज चुके हैं, लगभग 12:30 हम पहुंच जाएंगे। और उसके बाद बाइक का परमिट बंसार बनवाना पड़ेगा वहाँ पे, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। लाइन लगी होगी तो वहाँ किसी एजेंट से बात करेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट बनवा लेंगे, भीड़ नहीं हुई तो। एक साइड ट्रक्स ने पूरी तरह ब्लॉक कर रखी है, ये आप उस तरफ जा ही नहीं सकते। ये देखिए दो तरफ से ट्रैफिक लगा रखा है नेपाल में एंट्री के लिए, ये सारे ट्रक खड़े हैं और लेकिन रोड ब्लॉक कर रखी है पूरी, बंदा जाए तो जाएगा ऐसे दूसरी साइड से। तो सभी जो छोटे व्हीकल हैं लाइट व्हीकल हैं सब रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, और बस भी आ रही है एक। ये बॉर्डर आ गया सामने, ये हम इंडिया की तरफ से एंटर कर रहे हैं और उसके बाद आ जाएगा नेपाल का गेट। और ये सामने है नेपाल बॉर्डर, इंडिया बॉर्डर तो पार कर लिया है और नेपाल बॉर्डर भी हम पार कर रहे हैं। क्या हालत है रोड की, बाप रे। और ये सामने ऑफिस है जहाँ बाइक का परमिट बनता है, बंसार कहते हैं जिसको। हमने बंसार बना लिया है 7 दिन का, और हमारा जो एक्सपेंस आया है 900 रुपये, तो एजेंट के थ्रू बनवाया क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और गर्मी में सारा लाइन में लगने में बहुत पंगा था। और अपना सिम भी ले लिया है 7 दिन का, हमने 2 GB पर डे के हिसाब से प्लान लिया है, जो कि हमें 450 रुपये कॉस्ट करा। ये हमारी बाइक खड़ी है, बस अब निकलते हैं यार, गर्मी है यहाँ भी। बुतवल तक तो प्लेन है, उसके बाद हिल्स शुरू हो जाएंगे पहाड़, लेकिन पहाड़ों पे भी गर्मी ही होगी अभी। चले दूसरा 180 किलोमीटर है यहाँ से, तो हम नेपाल में एंटर कर चुके हैं सनोली बॉर्डर, और हालत देख लीजिए रोड की, आगे जाके ठीक हो जाएगी आई थिंक। अठारह में भी ये हाल था और अभी भी यही हाल है, आगे से सही बन गया। हो गर्मी बहुत है यार, बहुत तूफान गर्मी है। सिम ले ली है हमने, नेपाली सिम ले ली है, और बंसार बन गया है, और टोटल खर्चा लगभग 1350, और वहाँ भी परमिट का पैसा लगेगा। चलो देखते हैं। तो बुतवल तक रोड सही है, बिल्कुल प्लेन रोड है वहाँ से, उसके बाद आप हिल शुरू हो जाएंगी।
तो ये देख रहे हैं आप नेपाल का हाईवे, नेपाल की रोडें, नेपाल के मकान। कहाँ रह गए भाई साहब? भाई लोग पीछे रह गए। ओहो गेट, ब्यूटीफुल गेट, देखिए कितना प्यारा गेट बनाया है। पिछली बार नहीं था आई थिंक, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो यहाँ से ऑफिशियली हम एंटर हो जाते हैं नेपाल में, और अभी तक जीरो लाइन था पीछे। नेपाल में आप सभी का स्वागत है, और आप देख रहे हैं मेरी इंटरनेशनल बाइक राइड मुक्तिनाथ टेंपल की दिल्ली से। और आज हम स्टे करेंगे पोखरा में, और कल पूरा रेस्ट करेंगे और परमिट बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे निकल जाएंगे मुक्तिनाथ को।